नमस्कार साथियों, महाराष्ट्र पुलिस की पोल पट्टी खुल रही है। 100 करोड़ की वसूली के आदेश है। अरे ये पुलिस हैं या गुंडे हैं, इनसे ये पूछा जाए। 100 करोड़ का टारगेट, ये तो कंपनी चला रहे थे लग रहा था कि महाराष्ट्र में। गृह मंत्री अनिल देशमुख अपने पुलिस प्रमुख को टारगेट देते हैं, 100 करोड़ वसूल के लाओ, आम जनता का पैसा, और वो वसूल के लाइए, इनके आका को दीजिए। और उन्होंने रास्ता भी बता दिया कि मुंबई में 1700 बियर बार और पब और डिस्को है, उनसे 2-3 लाख रुपए महीने वसूलो। हद हो गई है। ये चेहरा मुंबई पुलिस का, एक समय था जब ये कहा जाता था कि मुंबई पुलिस बड़ी ही फेमस और बहुत ही अच्छी पुलिस है, जो हर काम को बहुत ही सही तरीके से करती है। और जब से ये पत्र जाहिर हुआ है, उस दिन से असलियत सामने आ गई है। मुंबई पुलिस का चेहरा सामने आ गया है। राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास का ये पहला वाक्या है कि जब एक राज्य के गृह मंत्री पुलिस प्रमुख को यह आदेश देते हैं, वो भी लिखित आदेश, कि 100 करोड़ रुपया प्रति महीना वसूली करना है, वसूली करके लाइए, ये टारगेट दिया गया था। ये ऐसा टारगेट था, लग रहा है कि जैसे कोई कंपनी चला रहे हैं, इन्होंने कोई बिजनेस बना रखा है जो अपने एम्प्लॉय को ये टारगेट दे रहा है 100 करोड़। और अभी तक इस बात पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक ऐसा वाक्या जिसमें खुलेआम रिश्वत भ्रष्टाचार दिख रहा है, इस वाक्य पे तो तुरंत एक्शन होना चाहिए। और तुरंत एक्शन भी इतना होना चाहिए कि एक मिसाल बने कि दोबारा देश के अंदर कोई भी इस तरीके की बातें न करे। देश की गरीब आम जनता का पैसा वसूल करके सरकार की झोली में दो, और पुलिस जिसके जिम्मा की सुरक्षा की व्यवस्था होती है, जिसके जिम्मा हर किसी का सुरक्षा प्रदान करना ये जिम्मा होता है, वो वसूली में लगे हैं। यानी कि ये पुलिस नहीं है, पुलिस के वेश में वर्दी वाला गुंडा। और इस गुंडे को सह देने वाले खादी वाले नेता, वाह, शर्म आनी चाहिए।